आकर्षणीय प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। नौवीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सकें। ज्ञान नीर और क्षीर विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो दसवीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, यह कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है। क्रिया कर्मण्यता। 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। योग चित्तल्य। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की, मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। प्रहवी अत्यंतिक विनय। 13वीं कला का नाम प्रहवी है, इसका अर्थ विनय होता है। भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं के पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को दे देते हैं, यह कृष्ण की विनयशीलता है। सत्य। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा? कृष्ण निसंकोच कह देती हैं, यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। इसना आधिपत्य। 9वीं कला का नाम इसना है। इस कला का तात्पर्य है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का भी प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। अनुग्रह उपकार। बिना प्रत्युकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आ जाता है, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।